जब भी आप अपने लिए कोई नया सिस्टम लेते हैं तो उस सिस्टम के अंदर सबसे पहले आप क्या चेक करते हैं, आप यही चेक करते हैं कि उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है कि नहीं, ताकि आपका जो भी काम है, चाहे डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड है या फिर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है या स्प्रेडशीट बनाना है, वो सारे काम आप बड़ी आसानी से कर पाएं। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इस चीज को परचेज नहीं करते हैं, या तो फ्री वर्जन यूज करते हैं या फिर क्रैक यूज करते हैं, या फिर पुराना जो वर्जन होता है उसी को हम यूज करते रहते हैं जिसके अंदर फुल फंक्शनलिटी नहीं आती है। माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं उनके लिए आपको पे करना पड़ता है, चाहे आप स्टूडेंट हो या पर्सनल यूज के लिए हो, तभी आप उसे फुल फ्लेश्ड में यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो क्या ऐसा सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं जिससे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन को यूज कर पाए? सो हियर इज द वीडियो फॉर यू, जिसके अंदर मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के 365 को बिल्कुल फ्री में अपने सिस्टम पे यूज कर सकते हैं, एक्टिवेटेड वर्जन में यूज कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि पब्लिक डोमेन में जो भी लिंक शेयर हो रहा है, चाहे YouTube, चाहे Facebook, चाहे Instagram, कहीं पे कोई भी लिंक अगर दिया हुआ है, आपको लग रहा है कि वो फायदेमंद है, तो आप ऐसे ही धड़ल्ले से उसे यूज करना मत स्टार्ट कर दीजिए। उसका ऑथेंटिकेशन जरूर चेक कीजिए कि वो आपको सही चीज दे रहा है कि नहीं दे रहा है, नहीं तो ये बहुत बड़ा डिजास्टर आपके लिए हो सकता है। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दो लिंक शेयर किया है, एक वो लिंक जिसके थ्रू आप माइक्रोसॉफ्ट 365 के लेटेस्ट वर्जन को इंस्टॉल कर सकते हैं, और दूसरा वो लिंक जिसमें एक्टिवेशन कोड है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आप दिए हुए लिंक पे जाइए और वहां से ऑफिस 365 को डाउनलोड कर लीजिए। एक बार आपने ये अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लिया तो इसे सिंपली जो है आप अपने सिस्टम पे रन कर दीजिए। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखिए कि कोई पुराना ऑफिस आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं होना चाहिए, अगर वो इंस्टॉल है तो उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए, उसके बाद ही इस सेटअप फाइल को रन कीजिए। एक बार ये सेटअप कंप्लीट हो गया आपके सिस्टम पे, पूरे तरीके से इंस्टॉल हो गया, तो एक बार जरूर चेक कीजिए कि ये जो है सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओपन करके देखिए, वहां पे आपको मिलेगा कि दिस इज नॉट एक्टिवेटेड, ऑल दिस दैट, ये आप चीज वेरीफाई कर लीजिए। वर्ड खोल लीजिए, पावर पॉइंट खोल लीजिए और सारा चीज चेक करने के बाद अब इसे क्लोज कर दीजिए। अब दूसरे नंबर पे आता है, अब आपको इसको कोड के थ्रू एक्टिवेट करना है। मैंने जो दूसरा लिंक दिया है उसके अंदर एक कोड है, उसे आप जाके पहले चेक कीजिए कि वो कोड क्या है, क्या बता रहा है। उसके अंदर अगर आपको नॉलेज है तो आप उसको एडिट भी कर सकते हैं आसानी से। तो इस कोड को आप सिंपली कॉपी कर लीजिए, अपने नोट पैड पे इसको पेस्ट कीजिए और पेस्ट करके सेव कीजिए इसको। एक्सटेंशन जो है इसका ऑल फाइल सेलेक्ट कीजिए और एक्सटेंशन जो दीजिए वो दीजिए activate.cmd। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, abc.cmd, ताकि एक ये कमांड प्रॉम्प्ट का जो है फाइल बन जाए और आप इसे डबल क्लिक करके रन कर सके। इतना करने के बाद अब आपको सिंपली इस पे राइट क्लिक करना है, जो भी आपने cmd फाइल बनाया है, जो भी कोड मैंने बताया था जिसे आपने कॉपी करके इसमें पेस्ट किया है, इस पे राइट क्लिक कीजिए और इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए, तभी ये काम करेगा। अदरवाइज आपने इसे डबल क्लिक कर दिया तो ये आपका एक्टिवेशन फेल हो जाएगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। लेकिन इसको रन करने से पहले आपको जो है टेम्परेरली अपने एंटीवायरस के रियल टाइम स्कैन को बंद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सेटिंग में जाएं, एंटीवायरस एंड सिक्योरिटी में जाएं और वहां पे जाकर के आप सिंपली रियल टाइम स्कैन है उसको कुछ देर के लिए ऑफ कर दें। इसको चलिए हमने ऑफ कर दिया, अब हम इस फाइल को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखिए कि अगर आपने सिंपली इसे डबल क्लिक करके रन किया तो ये आपका काम नहीं करेगा, सो वी हैव टू रन इट एज अ एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आप कीजिएगा तो इट विल टेक सम टाइम, आपको इंटरनेट से कनेक्टेड रहना है और उसके बाद ये आपका सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो जाएगा। आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये आपका 100% काम करेगा, क्योंकि मैंने भी इसी तरीके से किया है। तो यह है वो तरीका जिसके थ्रू आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन को आप अपने सिस्टम पे एंजॉय कर सकते हैं। अभी आप अगर वर्ड डॉक्यूमेंट खोले, पावर पॉइंट खोले और वहां पे अकाउंट में जाए तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपको एक्टिवेटेड दिखाएंगे। यू कैन चेक इट नाउ। सो दिस इज द ट्रिक थ्रू विच यू कैन गेट द लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑन योर सिस्टम। ये सारी चीजें करने के बाद अंत में दोस्तों आप अपने एंटीवायरस के रियल टाइम स्कैन को ऑन करना मत भूलिए।
आप इसे ऑन करके अपने सिस्टम को सेफ एंड सिक्योर कर लें एंड नाउ इंजॉय। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। अगर आपका कोई क्वेश्चन और कोई सवाल है तो यू कैन लेट मी नो थ्रू योर कॉमेंट्स।